6 करोड़ की एमडी मेफेड्रोन ड्रग्स को 6 आरोपियों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक सेल क्राइम ब्रांच नवी मुंबई की छापेमारी कार्रवाई में बड़े पैमाने में एमडी मेफेड्रोन निर्माण करने वाली दो लैब कारखानों पर की गई कार्रवाई, जिसमें पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की एमडी मेफेड्रोन ड्रग्स को जब्त कर 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एंटी नारकोटिक सेल अपराध शाखा नवी मुंबई को मुंबई गोवा राजमार्ग पर सिरधोन गांव के पास से गुप्त जानकारी प्राप्त हुई थी कि एमडी मेफेड्रोन बिक्री करने के लिए ले जाने वाले हैं। इसी सूचना पर उक्त स्थान पर छापेमारी के दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से 61.09 ग्राम वजन की एमडी मेफेड्रोन मिली है, जिसकी कीमत 6,10,900 रुपये है। पकड़े गए आरोपियों को बदलापुर थाने और खालापुर जिला रायगढ़ से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी खालापुर रायगढ़ के एक फार्म हाउस से एमडी मेफेड्रोन दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां चलाते थे। दोनों जगहों पर छापा मारने के दौरान एमडी मेफेड्रोन 330 लीटर केमिकल और 25 किलो पाउडर बरामद किया गया है। उक्त सभी सामान जब्त कर लिया गया है तथा उक्त कंपनी एवं फार्म हाउस को भी सील कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों के 2-4 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी पत्रकार परिषद में क्राइम डीएसपी अमित काले ने दी है। 3 दिसंबर 2023 का ये वारदात है। इसमें एक जो आरोपी है, ये नारकोटिक सब्सटेंस एमडी बेचने के लिए पनवेल में आने वाला है, ऐसी इंफॉर्मेशन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के नारकोटिक सेल के पीआई श्री नीरज चौधरी इनको मिली। उन्होंने ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को वहाँ से पकड़ा, जिसके पास से 6,10,900 रुपये का 61 ग्राम एमडी उन्हें मिला। उसके आगे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, पता चला कि इसके जो ट्रेल है वो बदलापुर थाने में खोपोली और खालापुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को ही नई मुंबई क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल की टीम खोपोली गई। वहाँ पे एक पेंट का बंद हुआ एक कारखाना फैक्ट्री थी, जिसको रेंट पे लिया गया था और वहाँ पे ये लोग एमडी बनाने का काम कर रहे थे। उसके अलावा आरोपी ने खालापुर में भी एक फार्म हाउस लिया था, उस फार्म हाउस में भी इनका एमडी बनाने का काम शुरू था। वहाँ जाके दोनों जगह पे जब छापेमारी हुई, वहाँ पे 45 लाख रुपये का कच्चा माल और 5,39,60,000 का फाइनल एमडी प्रोडक्ट, ऐसा 5 किलो 396 ग्राम एमडी वहाँ से बरामद किया गया। इसमें टोटल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 6 आरोपी जो है वो 12वीं तक के पड़े हुए हैं। इसमें से एक आरोपी ये रेंट एग्रीमेंट करके प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता था। दूसरा जो एक्यूज्ड है वो उसे जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने का काम करता था। तीसरा जो आरोपी है वो एमडी बनाने का काम करता था। चौथा आरोपी उस एमडी को मार्केट तक लेके जाने का काम करता था। पांचवा आरोपी जो है वो मार्केट में उसको बेचने का काम करता था। और छठवा जो आरोपी है ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का वेंडरशिप का काम करता था। तो ड्रग्स फ्री नवी मुंबई, इस जो अभियान नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट ने शुरू किया गया है, मैं नागरिकों से ऐसा आह्वान करता हूँ कि उनके अगर लड़कों में कोई अननेसेसरी बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, उसके संगत कोई गलत लोगों से दिख रही है, या आंखों के नीचे कुछ ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं, अकेला रूम के अंदर बैठा इस तरीके के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली नवी मुंबई पुलिस को इत्तला करें। अगर उनके आजू बाजू में कोई खाली फ्लैट है, खाली फैक्ट्री है, जहाँ पे किसी की मूवमेंट दिख रही है किसी इंसानों की, उसके ऊपर नज़र रख के उसकी भी जानकारी हमें दे, या उनके जो रहने का एरिया है वहाँ पे अगर कोई नारकोटिक सब्सटेंस बेच रहा होगा तो उसकी जानकारी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को दे, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ली जाएगी। थैंक यू। आवाज़ टुडे, पंकज विनोद सिंह की रिपोर्ट, नवी मुंबई।